बट भाई देखो, अभी मैंने बात की थी तो मनाली के रास्ते में भी जगह जगह पे बारिशें हो रही हैं, स्लाइड्स हो रही हैं, तो रात को चलना ठीक नहीं है। तो इस ये देखो पलिक साहब की हालत, अभी थोड़े थोड़े स्वस्थ हो रहे हैं, आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो एक्टिंग हो रही है भाई। अब हो चुके हैं परेशान, लास्ट स्टेज आ चुकी है बिल्कुल। सुबह 2 बजे के आसपास आए थे और लगभग बज गए 6। सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सब? सो दोस्तों, मनाली जाने की तैयारी तो फुल हो रखी है अपनी तरफ से, तो बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मौसम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इवन कि दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि बारिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो देखो, आज मैं तो निकलने वाला था शाम को, क्योंकि आज मलिक साहब को छुट्टी भी मिल जाएगी, तो उनको अभी डिस्चार्ज कराने जा रहे हैं। उनको डिस्चार्ज करा के मेरा ये था कि शाम को निकलूँगा और रात को लेट नाइट चंडीगढ़ पहुँच के, चंडीगढ़ रुक के और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है ना, वो बहुत ख़राब ही मान लीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी बारिशें यहाँ पे भी हैं और तो कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी ये मान लीजिए कि ऑरेंज अलर्ट है, बाकी काफ़ी जगह पे येलो अलर्ट है। तो भाई अभी इतना ईजी तो है नहीं कि इस सिचुएशन में येलो अलर्ट में रिस्क लिया जाए। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, पहले मलिक साहब को वहाँ से करते हैं डिस्चार्ज, घर छोड़ते हैं और उसके बाद निकलने की बताते हैं आपको क्या रहा। दिल्ली में अगर आपको कहीं पे टाइम पे पहुँचना है तो कम से कम अंदाजे से 1 से 2 घंटा पहले ही पहुँचना पड़ेगा, मतलब 1 से 2 घंटे पहले ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो हालात ऐसे हो जाते हैं बारिश में, तो हर रोड पर हर गली में पानी ही होता है। और भाई ट्रैफिक का हाल तो वही चल रहा है, बस तब से लगभग हो गया 1.5 घंटे के आसपास, और 1.5 घंटे से इसी टाइप के ट्रैफिक में खड़े हुए, और पता नहीं कब तक क्लियर होगा। आप सोचो भाई, एक सिग्नल को क्रॉस करने में 4 से 5 बार सिग्नल वो हो रहा है, तो कम से कम ये मानिए कि एक सिग्नल पे ही 10 से 15 मिनट लग रही है। तो हाल बुरा ही चलता है भाई दिल्ली में तो ट्रैफिक का। बट भाई जो इस एरिया में ग्रीनरी है ना, वो अलग ही, दोनों साइड में बहुत अच्छे पेड़ लगाए हुए हैं। तो भाई पेड़ बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं भी हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अगर पेड़ लगे हुए ग्रीनरी दिख रही है तो अलग ही मज़ा है। तो भाई थोड़ा सा आउटर पार्ट पे आने के बाद लग रहा है कि हाँ भाई, हम कहीं दिल्ली से तो निकल गए हैं। तो एक्चुअल में अभी बस ये दिल्ली बॉर्डर के ही गांव है, तो इधर ट्रैफिक कम होता है, तो इसके बीचों बीच से निकल के सीधा गुड़गांव से कनेक्ट हो जाएगा पालम विहार से होते हुए, तो जल्दी पहुँच जाएंगे शायद। तो भाई हम पहुँच गए बसगेड़ा, ये मेरे मामा का गाँव है, बट भाई टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि मलिक साहब वहाँ पे वेट कर रहे हैं ऑलरेडी डिस्चार्ज के लिए, तो निकलेंगे तो हो सकता है फिर कभी आएंगे, आते जाते आपको दिखाएंगे। मामा का घर भी यहीं पे है, बस ये गांव जो सामने दिख रहा है मामा का ही गांव है। और आजकल तो भाई यहाँ पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पता नहीं क्या क्या बन गया है। पहले यहाँ पर बचपन में खेलते थे, कूदते थे, अब तो यहाँ बस मल्टी नेशनल बिल्डिंग्स ही दिख रही है मेरे को, मल्टी स्टोरी कितनी बिल्डिंगें बन गई पता ही नहीं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और बस गाड़ी को करते हैं पार्क और फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं कितनी जल्दी उनको करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट कंप्लीट, और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके और फिर निकल जाएंगे यहाँ से। भाई रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा भीड़ रहती है हॉस्पिटलों में आजकल, लाइनें लगी हुई है, पार्किंग भी पता नहीं कितनी देर में मिलेगी। तो बहन तो हमें मिल चुकी है, तो मेरे साथ ही घूम रही है तब से, पर अभी मलिक साहब आराम से रेस्ट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। और अभी तक देखो मलिक साहब का डिस्चार्ज आ गया, पर अभी तक बेड छोड़ा नहीं है उन्होंने अपना, अभी बेड पे ही लेटे हुए हैं। तो भाई जल्दी इनको यहाँ से भेज लेके जाने वाले हम, क्योंकि अभी बस आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स की वेट है, जैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं निकल जाएंगे। उसमें तो लग रहा है अभी टाइम का पता नहीं कितना लग जाएगा, पता नहीं है। तो अभी भूख लगी हुई थी, कुछ खाने के लिए आए हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है बाहर। भाई कुछ नहीं, तो भाई अभी बाहर जाते चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बुरा हाल है, अंदर तो भाई कितना टाइम लगता है पता नहीं। ये देखो पलिक साहब की हालत, अभी थोड़े थोड़े स्वस्थ हो रहे हैं, आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो एक्टिंग हो रही है आज सारे बैठ के। भाई अब हो चुके हैं परेशान, लास्ट स्टेज आ चुकी है बिल्कुल। सुबह 2 बजे के आसपास आए थे और लगभग बज गए 6, और मेरी बहन की शक्ल देख कैसे परेशान हो चुकी है वो, रोया नहीं जा रहा उससे, इसलिए हंस रही है। भाई
बिलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, बस आगे से वो अप्रूवल आना रहेगा, उस अप्रूवल के चक्कर में मतलब 4 घंटे हो गए कम से कम। और भाई फाइनली है ना, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद मलिक साहब का देख इंतजार कर करके सो चुके हैं वापस, और देखो बाहर रात हो चुकी है। हालत ये थी भाई, सुबह से घुमा रहे कम से कम 12-15 काउंटरों पे घुमा के तब जाके अप्रूवल दिया, और अब निकलने की तैयारी हो रही है। और टाइम हो चुका है लगभग शायद 7 बजने वाले हैं, 7:30, और मलिक साहब दोबारा बीमार हो गए। देखो आप मलिक साहब की हालत कैसे होगी दोबारा, बेचारे रेडी हो गए सुबह से बैठे हुए थे। तो चलो भाई अब निकलते हैं फटाफट ना। फाइनली मलिक साहब देखो थक हार के वापिस चला नहीं जा रहा मलिक साहब से, कोशिश तो की थी उन्होंने पर आखिर में व्हील चेयर पे ही लेके जाना पड़ेगा भाई गाड़ी तक, तो और गाड़ी के पास से ही इनको वापस लेके आएंगे। मलिक साहब को भाई अब बैठाते हैं, यहाँ से निकलने के बाद लगेगा कि हॉस्पिटल से फ्री हो गए, नहीं तो ऐसा लग रहा है अभी भी हॉस्पिटल में ही है मलिक साहब। और भाई ट्रैफिक वही हाल जो है, जो हर जगह होता है, दिल्ली हो हरियाणा हो गुड़गांव, गुड़गांव में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ मलिक साहब, देखो अब लग रहे ना थोड़े ठीक ठाक से, जैसे ही मतलब घर के कपड़े पहने उस उन कपड़ों में ना वैसे भी बीमार ज़्यादा ही लगता है भाई। अगर हॉस्पिटल की हालत, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हॉस्पिटल में होते हो ना तो वैसे ही बीमार हो जाते हो आधे, तो साथ रहने वाला भी आधा बीमार होता है। अब पीछे मेरी बहन की हालत दिख रही होगी कैसी, देख ये सिर्फ जब कैमरा दिखता ना तब हंसती है, नहीं तो पूरा दिन इसका मुंह ऐसा उदास सा रहता है। पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में थी तो इसकी हालत देखो अभी, बस एक खुश आज मलिक साहब लग रहे हैं क्योंकि आज 1 महीने बाद इन्होंने अपनी ड्रेस पहनी है, नहीं तो बुरा हाल था भाई। वो ड्रेस ही ऐसी लेडीजों जैसी पता नहीं अजीब सी भाई, मेजेंटा वालों को कम से कम ड्रेस तो चेंज करनी चाहिए। पहुँच ही गए हम, और टाइम हो गया लगभग 10 बजने वाले हैं, 2 घंटे लग गए पूरे। और वो देखो सामने मौसी जी कर रही है वेट, और साथ में कर रहा है अर्जुन, वो देखो सामने, और देखो और देखो देखो अर्जुन एक देखो सभी वेट कर रहे हैं भाई। और ये है हमारा अर्जुन, हमारा मामू, हमारा मामू परेशान हो रहा है इंतजार कर रहा है। और ये मौसी जी से आप मिले ही थे पहली बार भी, ठीक। तो अभी चलते अंदर, मैं और मामू है ना, हम गाड़ी में बैठेंगे अभी, है ना मामू। चलो चलो चलो, क्या करेंगे? अरे गाड़ी कहीं तो लगाएंगे, अब यहाँ थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई। और ये देखो ये अर्जुन मेरे साथ खेल रहा है, और ये मेरी गुड़िया साशु, ठीक है। और अभी हम जाएंगे अंदर फटाफट खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर को, है ना। तो खा लिया। अरे सामान कौन लेके जाएगा, सामान उतारो बेटा, सामान तो उतारो, ये उतारो बेटा फटाफट। तो भाई ये है मेरी सिस्टर का घर, और अभी अंदर चलते हैं और थोड़ा मौसी से बात करते हैं, फिर देखते हैं कब निकलना है, अभी कंफर्म नहीं कब निकलेंगे। और रख रख, और जैसे ही मलिक साहब घर पहुंचे है ना, घर पहुंचते ही मलिक साहब को सबसे पहला काम मिला है बिल चेक करने का, क्योंकि अब आ रहे खर्चे। खाना देख लो, खाना ढंग से खा नहीं पा रहे, और इधर अपना भी खाना आ गया देसी गाँव का। मलिक साहब छोड़ दो अब तो, और ताशु कर रही है हमारी सेवा, ताशु खिला रही है खाना। और इधर हमारे मामू कुछ सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे थे, कैसे कर रहे थे? Listen to the music. I, ये कहाँ देखा आपने? ये हमारे डांस में था, फर्स्ट वाले डांस में ये वाला था,
लिसन टू द म्यूजिक आई अच्छा जी सो जा बेटा सो करेंगे और जरा बोल दिए सोने की तैयारी और अपने देसी स्टाइल में और एसी के सामने ना आज ब्लॉगिंग करेंगे अर्जुन हमारे मामू आज ब्लॉगिंग करेंगे और ये देखिए भाई अर्जुन ने स्पेशल है ना कार्ड बनाया है मलिक साहब के लिए इस पे लिखा हुआ ऊपर आई लव यू पापा एंड मम्मी क्योंकि बीमार तो पापा थे बट साथ में मम्मी भी गई हुई थी एंड गेट वेल सून अरे ये किसने लिखा अर्जुन ये तो आप कह रहे हो आपने लिखा आपने तो नहीं लिखा ये अरे देखो सभी लेटे हुए हैं अपने आड़े तिरछे जैसी मर्जी आज सारा इकट्ठा हो गया ना परिवार तो बैठे हुए हैं नहीं तो सब अपने अपने कमरे में जाके सो चुके होते इस टाइम तो अरे अर्जुन ये किसने बनाया ये मीशू ने मैंने नहीं बनाया अरे ये तो सब मना कर रहे हैं भाई फिर ना मीशू नहीं बना ये पहले चाची ने अर्जुन ने एडिटिंग फिर ये देखो ये मीशू ने बनाया है मीशू का भी बहुत बहुत अच्छा है भाई जब बच्चे बाहर होते हैं ना और मम्मी पापा बाहर होते हैं तो बच्चों को भाई याद तो आती है और एक लंबा सा वो भी लिखा हुआ है नोट और अब मलिक साहब ये पढ़ा नोट मीशू कह रही है उसको दिखाना स्पेलिंग मिस्टेक सो गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9 और सभी उठ चुके हैं अर्जुन कर रहा है ब्रेकफास्ट बाकी सब ने कर रखा है और अर्जुन सबसे लेट करता है ना अर्जुन मामू सबसे लेट ब्रेकफास्ट करता है अब देखो और रेनू का बस मेरी बहन का यही काम है सबको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करना आज मलिक साहब भी कुछ सही लग रहे हैं तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे अभी थोड़ा सा घूम के आएंगे आसपास कटिंग करा के आनी है तो गाइस ये देखिए हम कर रहे हैं अपनी कटिंग जाने के लिए देखो तो अर्जुन भी भाई बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है इसको हम ब्लॉगर ही बनाएंगे बड़ा हो गया ना बेटा ब्लॉगर बनेगा ना वेरी गुड तो भाई सुबह सुबह मलिक साहब की थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए जा रहे हैं हम थोड़ा इनको कटिंग वगैरह करवा के अर्जुन की भी कटिंग होनी है तो इनकी कटिंग वगैरह करा के फिर निकलेंगे हम दिल्ली के लिए तो भाई टाइम हो चुका है काफ़ी और लगभग 11:30 के आसपास का टाइम हो चुका है बस अब वो फ्री होने वाले हैं और हम यहाँ से निकल जाएंगे बट भाई देखो अभी मैंने बात की थी तो मनाली के रास्ते में भी जगह जगह पे बारिशें हो रही हैं स्लाइड्स हो रही हैं तो रात को चलना ठीक नहीं है तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिन में ही रहें हम और दिन में ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे अप्रोच रोड्स हैं या फिर कहीं रुकना भी पड़ गया तो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर हम रात को निकलेंगे तो इश्यूज़ आ सकते हैं तो इसीलिए हम अभी निकलेंगे दिन में ही और कल सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग और ये देखिए अर्जुन फिर आ गया है अपनी कटिंग करा के अर्जुन की तो कटिंग भी हो गई है तो भाई अभी बस निकलेंगे फटाफट और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड और हम अगली वीडियो में आपको मनाली में ही मिलेंगे ये श्योर है कि मनाली जाते हुए ही मिलेंगे इसके क्योंकि अभी कोई प्लान चेंज नहीं हो सकता ये हो सकता है कि डिले हो बट चेंज नहीं होगा मनाली जाना ही है तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मनाली में सो बाय बाय नमस्कार